बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का आरोप, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ मारने का आरोप, सीआईएसएफ महिला जवान पर कंगना को थप्पड़ मारने का आरोप, सिक्योरिटी चेक के दौरान थप्पड़ मारने का आरोप। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी और जब वो यहां सिक्योरिटी चेक करा रही थी तभी कुछ विवाद हुआ, बदसलूकी की बात कही गई, बहसबाजी हुई और इसी में पीट दिया गया, थप्पड़ मार दिया गया कंगना रनौत को, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि किसी की तरफ से नहीं हुई है इस पूरे मामले को लेकर कि क्या ये पूरी घटना हुई है और पूरा मामला आखिर है क्या। कंगना रनौत भी हालांकि बाहर निकले लेकिन उन्होंने भी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया, उन्होंने भी मीडिया से कोई बात नहीं कही। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसकी तरफ से भी अभी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है एयरपोर्ट पर बहसबाजी हुई उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। अब ये घटना के पहले की तस्वीर है या बात की है ये थोड़ा सा इस पर संशय बना हुआ है। एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ, वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज़ के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। तो देखिए अब कंगना सामने भी आ गई हैं और कंगना रनौत ने पूरा घटनाक्रम बताया है और कैसे उनके साथ ही ये मारपीट की घटना हुई ये भी उन्होंने बताया और उन्होंने कहा है कि एक महिला कर्मचारी जो हैं, सब महिला जो अधिकारी हैं वहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात हैं उन्होंने उनको पीटा है, उन पर थप्पड़ मारा है। जगदलपुर में खनन माफिया की दबंगई सामने आई है। इन्होंने किसानों की जमीन से मुरुम का खनन किया, समतलीकरण के नाम पर जमीन को खोखला कर दिया गया जिससे कि खेतों में लगे बड़े पेड़ गिर गए। पंचायत प्रतिनिधि ने खनिज विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा है कि खनिज विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। यह पूरा मामला बिलोरी पंचायत का है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए और कहा कि पार्टी को हार की समीक्षा करनी चाहिए, बड़े चेहरों को लड़ाने की सहमति थी, कोई व्यक्ति बाहर जाकर चुनाव लड़े इसी लेकर सहमति नहीं, चुनाव में बाहरी उम्मीदवार मुद्दा बने। दुर्ग लोकसभा में मंत्रिमंडल से 4 से 5 लोगों को जगह मिली थी, वहीं से इतनी बुरी तरह से हार गए, बाहर जाकर लड़े इस पर सहमति नहीं, इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। ये एक समीक्षा का विषय है और बहुत जल्दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी समीक्षा करे इस बात की अपेक्षा हम लोग करते हैं ताकि देखें हम लोग कि आखिर फिर इतनी भारी हार क्यों हुई, हार का सामना क्यों करना पड़ा जब सारे नेताओं ने मिलकर इस चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन किए, सारे बड़े चेहरे इस चुनाव में उतरे लेकिन उसके बावजूद भी हार क्यों हो गई, आज भी हमारे लगभग 34-35 विधायक हैं। खबर अंबिकापुर से जहां पर युवक ने बीजेपी की जीत पर अपनी उंगली काटकर काली मंदिर में चढ़ा दी। युवक ने बीजेपी की जीत के लिए मन्नत मांगी थी जिसकी ये मन्नत पूरी हुई और उसने देवी के सामने अपनी उंगली चढ़ा दी। के बातों को सुनकर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर मेरे मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि कहीं हमारी पार्टी हार न जाए, तो इस डर से मैंने अपनी पार्टी के जीत के लिए अपने गृह ग्राम के ही एक मंदिर सामत सरना, बहुत मानी हुई जगह है, हम सभी की उसमें बहुत आस्था है, उसी जगह पे शिव जी का मंदिर है, काली माता की मंदिर है, तो मैंने काली माता के मंदिर में जाके
अपना उंगली कहिए या अपना रक्त चढ़ाया और उनसे अपनी पार्टी के जीत की प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन में है। बिलासपुर में सड़क किनारे लगी अवैध होर्डिंग को तोड़ा गया। यहां पर कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बोर्ड गैर कानूनी तरीके से लगे थे, इन बोर्ड को हटाया गया। मंगला चौक से उसलापुर रोड पर यह कार्रवाई की गई। धमतरी के श्याम तराई में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला, यहां पर मुरुम डंप की गई थी जिसको प्रशासन ने हटाया और अवैध कब्जे को हटाया।